8 साल पुराने टकरावदा अपहरण कांड में लिप्त आरोपी अंसार को प्रतापगढ़ पुलिस नागदा कोर्ट पेशी पर लेकर पहुंची। क्योंकि आरोपी आदतन अपराधी है, ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से आरोपी को लॉकअप की बजाय वैन में ही रखा। पेशी के बाद पुलिस आरोपी को अपने साथ प्रतापगढ़ ले गई। जानकारी के अनुसार मामले में बिल्लाग्राम थाने में तत्कालीन TI रह चुके US सोनी के बयान होना थे, लेकिन वे नहीं आ सके। ऐसे में कोर्ट ने अब अगली तारीख 15 मार्च दी है, तब आरोपी को पुनः पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि घटना 8 मार्च 2011 की है, जब आरोपी रिजवान ने अपने तीन और साथियों के साथ मिलकर गांव टकरावदा निवासी गोपाल पिता वासुदेव पटेल और उसका साथी रामजी पिता भगवान का SDM कोर्ट में पेशी लौटने के दौरान हथियार के बल पर अपहरण कर लिया था। आरोपी दोनों ग्रामीणों को टकरावदा तालाब के पास से अपहरण कर अपने साथ ले गए थे और बाद में दोनों ग्रामीणों को छोड़ने के एवज में परिजनों से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। संभवतः क्षेत्र की यह पहली ऐसी वारदात थी जिसमें अपहरण कांड जैसी घटना को अंजाम देकर फिरौती की मांग कर आरोपियों ने की थी।